नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ एकेडमी में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री से जो दोस्तों जो मध्यकालीन हिस्ट्री है, यहाँ से जो है अक्सर आपके जो एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न बन रहे हैं। तो जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है दोस्तों मध्यकाल से लेकर, उसे हम जो है कम्प्लीट करने का प्रयास करेंगे 5 MCQs के माध्यम से। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। जैसा कि पहला जो प्रश्न है हमारा कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। इस प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, यह प्रश्न जो है PCS 2015 में पूछा गया सवाल है। यूपी PCS में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है जो चंगेज खान है दोस्तों, उनका जो है मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेमुचिन जो है इनका मूल नाम है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। तो जजिया कर कौन सा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन रहेगा, फिरोज शाह तुगलक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो आपको बताना है जो जौनपुर राज्य था, इसका जो है अंतिम शासक कौन था। इस प्रकार के जो है अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुसैन शाह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो आपको बताना है मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका मोहम्मद गौरी। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया है। तो आपको बताना है सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूर, या सिकंदर महान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिकंदर लोदी जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था। तो आपको बताना है दार उल शफा क्या था, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, एक दानशाला, या एक खैराती अस्पताल, या एक पुस्तकालय, या एक तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो आपको बताना है दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक क्या था, खैराती अस्पताल था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस सुल्तान ने हासिल ए शर्व, हक ए शर्व, यानी कि जिसे जो है सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था। तो किसने दोस्तों, इसके आपके जो है तीन प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, हासिल ए शर्व, हक ए शर्व, इस प्रकार से अक्सर प्रश्न बनता है कि सल्तनत काल में हासिल ए शर्व क्या था। तो क्या था दोस्तों, एक सिंचाई कर था। यह जो है किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी। तो किसने लिखी दोस्तों, फतुहात ए फिरोजशाही, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज तुगलक जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह, यानी कि भूमि कर वसूलने का अधिकार, या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया है। वजह, इसका क्या अर्थ है दोस्तों, भूमि कर वसूलने का अधिकार, या इतलाक जिसे कहा जाता है, धनादेश देने के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 183, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया। तो आपको बताना है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई। तो दिल्ली में, दौलताबाद में, लाहौर में, या थट्टा में। तो थट्टा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह
जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक साइड आपके जो है राज्य दिए है, दूसरे साइड जो है आपके संस्थापक दिए हुए हैं। तो इसका दोस्तों आपको जो है मिलान करना है, तो आपको बताना है मदुरा बाबर किसका शासन था, विजयनगर में किसका था, वारंगल किसका था, वहमनी में किसका था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ये सभी जो है मदुरे बाबर में दोस्तों जलालुद्दीन एहसान शाह का शाह संस्थापक थे, और विजयनगर के संस्थापक कौन थे, हरिहर एवं बुक्का। वारंगल के संस्थापक दोस्तों कन्हैया थे, और बहमनी राज्यों के जो संस्थापक थे वो थे हसन गंगू। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको नोट करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुल्तान बनने से पूर्व किसके नाम किसका नाम जोना खां था। तो किसका नाम था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या बलवन। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा। तो किसने रखा दोस्तों, जो अबुल मजाहिद है यह भी किसका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों यह जो है नाम उपनाम है। अगला प्रश्न है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने में से हुई। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। अब आता है नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है तो कौन था, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किसने रस्म ए मियान यानी कि बीच का रास्ता व तारिक ए एतदाल यानी कि सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई है। तो बताना है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार सतून राजमहल यानी कि हजार खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। तो बताना है दोस्तों, हजार खंभों वाला राजमहल बलवन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खलजी या मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सरा ए अदल निम्न में से किसका बाजार था। तो आपको बताना है गल्ला का, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, दासों घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार या छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो सरा ए अदल जो दोस्तों किसका था, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का यह बाजार था। अगला प्रश्न है कि एक अस्पा एक घोड़े वाला सैनिक और दो अस्पा दो घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया। तो किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने जो है चार अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन और दिल्ली में मद्य निषेध अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए। तो किसने दिए दोस्तों चार अध्यादेश, किसने जारी किए, बलवन, अलाउद्दीन खलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो क्या रहेगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा आपका अमीर खुसरो रहेगा या अलाउल मुल्क, काजी गयासुद्दीन या फखरुद्दीन। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों, इसमें से जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलाउल मुल्क। अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्यों, क्योंकि क्यों कहा गया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि उसे हजार दिनार में खरीदा गया, या वह हजार सैनिकों का प्रधान था, या उसके पास हजार गांवों का स्वामित्व प्राप्त था,
इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए, उसे जो है 1000 दिनारी में खरीदा गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलिक काफूर। तो बताना है दोस्तों आपको कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था तो क्या है, अबू रहमान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरशास्प, या इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था दोस्तों, वो थे आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अली गुरशास्प इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न है, राजकीय व्यय से संबंधित विवाद दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है। तो इसका राइट आंसर देना है दोस्तों आपको अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, फिरोज शाह खिलजी, मोहम्मद तुगलक, या इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कैलुगड़ी किलोकरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बलवंत, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। तो यह उक्ति किससे संबंध है, तो आपको बताना है कि यह कौन था दोस्तों, कौन सा ऐसा राज्य था दिल्ली सल्तनत में जो ना तो खुद हंसता था, ना खुद मजाक करता था, ना दूसरों को मजाक करने देता था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलवन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बलवन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अफरसियाब, अमीर हमजा, तैमो, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किसने राज दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी कि पाँव को चूमना। सिजदा और पाबोस तो नाम सुना होगा दोस्तों, लेकिन इसका अर्थ क्या था, जो सिजदा था उसमें जो है घुटनों पर बैठकर जो है शीश जो अपना झुकाना पड़ता था, और जो पाबोस था दोस्तों उसमें जो है क्या करना पड़ता था, पैर को चूमना पड़ता था कि परिपाटी चलाई। तो किसने चलाई दोस्तों, यह कौन सा शासक था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इल्तुतमिश है, बलवन है, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक, सिजदा और पावोस। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलवन। अगला प्रश्न है कि बलवन ने वित्त विभाग यानी कि दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था। तो क्या था दोस्तों इसका उद्देश्य, आंतरिक विद्रोह का दमन करना, और दूसरा है मंगोल आक्रमणों को रोकना, या नो तो ए नो तो बी, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दीवान ए विजारत से अलग कर जो पृथक संस्था बनाई थी दोस्तों इन्हें, जो है दीवान ए आरिज अर्ज, जो क्या था एक सैन्य विभाग था। तो ये भी दोस्तों आपको नोट करना है कि दीवान ए आरिज या अर्ज, इस प्रकार के भी अक्सर जो है आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दीवान ए अर्ज क्या था, सल्तनत काल में सैन्य विभाग था, और दीवान ए विजारत क्या था दोस्तों, यह जो है वित्त विभाग था, और दोनों की स्थापना किसने की, बलवन द्वारा जो है दोनों की स्थापना की गई थी। जो दीवान ए आरिज या अर्ज था वह जो है आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए दोस्तों इस विभाग की स्थापना की गई थी। तो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको जो है नोट करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुर्गिल खां का विद्रोह और दमन हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका, आपको बताना है, इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी बलवन जो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज दरबार में बलवन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था। तो कौन था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इमानुद्दीन रहमान। और दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया। तो चहलगानी जो चालीसा था दोस्तों पूर्णतः सफाया किसने कर दिया, इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, बलवन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना है,
कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में या नागपुर, जोधपुर में? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो अतारकीन का दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया है? इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर है? नागपुर, जोधपुर में दोस्तों यह स्थित है। अगला है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो चालीसा दल का गठन किसने किया दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश दोस्तों जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो बताने आपको सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनेगा दोस्तों, सुल्तानगढ़ी दिल्ली में यह स्थित है। तो किसने दोस्तों जो है इस मकबरे का निर्माण करवाया? शैली का जन्मदाता कौन है? बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो किसकी उपाधि धारण की आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर तूती ए हिंद, केसर ए हिंद, जल ए इलाही या दीन ए इलाही? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जिल जिल ए इलाही। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको जो है नोट करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? तो कौन था दोस्तों, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी? यूपीएससी 2019-18 में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, तो आपको बताना है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान या वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी या इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि या कृषकों से की जाने वाली गैरकानूनी जबरी वसूली? तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको बताना है दीवान ए बंगान तुगलक, दीवान ए मुस्तक राज बलबन, दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी या दीवान ए अज मोहम्मद तुगलक? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों केवल जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल सुमेलित है, बाकी जो है दोस्तों ये चारों जो है असत्य कथन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आपको बताना है बलवन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। यूपीएससी 2001 एनडीए 2006 में दोस्तों यह जो है सवाल पूछा गया है। तो यह है दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसी में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो सल्तनत काल से जो बच्चे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरे वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।